तो दोस्तों यह टॉपिक आपका था भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में। देखो तो भिन्न का मतलब क्या होता है, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। भिन्न जो होती है, जो आपकी पी अपोन क्यू के रूप में लिखी होती है वो भिन्न होती है। कौन सी होती है? जो आपकी संख्या पी अपोन क्यू के रूप में लिखी हुई होती है वह भिन्न होती है। जहाँ अंश और हर होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, क्लियर। अब कहो भैया ये जो भिन्न है इसके सवाल किस तरह से आते हैं, और ये भिन्न होती कौन सी संख्या है? जो संख्या आपकी इस भिन्न को ही, जो आपकी संख्या पी अपॉन क्यू में लिखी होती है, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय, क्लियर। ये आपकी परिमेय संख्या है। जो उचित भिन्न क्या होती है? कैन भैया को राधे राधे है भैया। तो देखो जो संख्या 4/5 के रूप में लिखी हुई थी हमने, ये हमारी उचित भिन्न है। क्यों है उचित भिन्न? जिन संख्याओं का अंश जो हर से छोटा होता है, जिन संख्याओं का अंश हर से छोटा होता है वे उचित भिन्न होती हैं। एक नंबर का सवाल यहीं से पूछा जाता है कि भैया बताएं कि आपको चार ऑप्शन दे देगा, कि पहले ऑप्शन में देगा कि 4/3, और दूसरे ऑप्शन में आपको दे देगा कि 7/4, चौथे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में आपको देगा भैया इस तरह से कि भैया 9/11, ठीक है, 9/11, और यहाँ पर दे दिया आपको 9/5, क्लियर। आपसे कहेगा भैया उचित भिन्न कौन सी है, तो आप बता सकते हैं आप। क्यों? जिस भिन्न का अंश जो होता है हर से छोटा होता है, किससे? हर से छोटा होता है, ये इससे ये बड़ा होना चाहिए, तो कौन सी भिन्न होती है? वो उचित भिन्न कहलाती है। तो आपको पता लगा इनमें से कौन सी होगी? ये भैया उचित भिन्न है, क्योंकि 11 आपका बड़ा है, 9 आपका छोटा है। जब संख्या ऊपर छोटी लिखी होती है, नीचे बड़ी संख्या लिखी होती है, वो आपकी कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। तो यही वो आपसे बार बार पूछता है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये आ चुका है, हालांकि मैंने भी आपको दिया गया है, आपकी पीपीटी में भी वो लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लेना, क्योंकि मैं जब पीपीटी पढ़ाऊंगा तो अभी सवाल पीपीटी पे भी है, तो उनके माध्यम से समझेंगे, क्लियर। अब आपका दूसरा क्या होगा? देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया, दूसरा आपका होती है अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित भिन्न। ये कौन सी भिन्न होती है भाई? ये भी क्लियर है, देखो सभी लोग, अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है हर से वो उचित हो गई, अब जिसका हर छोटा होगा वो अनुचित भिन्न होगी। कंडीशन भैया देखो, आपको मान लीजिए मैंने लिखा भैया कि 9/5, और भैया मैंने लिखा कि 4/3, मैंने लिखा 9/4, क्लियर। तो देख रहे हैं ना आप, जिनका अंश क्या हो आपका बड़ा हो, ठीक है, जिनका अंश बड़ा हो और हर कौन सा छोटा हो, तो वो कौन सी हो जाएंगे? आपकी अनुचित भिन्न हो जाएंगे। क्लियर भैया? गुड इवनिंग, ठीक है जी, एक बार देख लेता हूँ आपके कमेंट्स आ भी रहे हैं ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है भैया,
क्लियर। गुड इवनिंग भैया, आ गए आपके कल, अब आ रहे हैं। ठीक है भैया, आपकी कौन सी होगी? आपकी अनुचित भिन्न होगी, जो संख्या ऊपर बड़ी लिखी होती है वो होती है आपकी अनुचित भिन्न। क्लियर भैया सभी लोगों को? अब आपको देखो, मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये तीनों आपकी अनुचित भिन्न थी, बाकी ये थी आपकी उचित भिन्न। तो क्लियर हो गया भिन्न के बारे में। थोड़ा सा भिन्न को आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब कोई संख्या है, जैसे कि देखो बता देता हूँ भिन्न बनती किस तरह से है। जैसे कि बात करते हैं हम, हमें 20 को भाग देना है, किससे देना है भाई? 3 से भाग देते हैं पहले। तो आपको पता है कि 3 छिंग कितना होगा आपका? 18 हो गया, 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया। क्लियर, जब 2 बच गया तो आप क्या करोगे भैया? आप ऐसा करोगे कि भैया पॉइंट लगाओगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाओगे, हैं ऐसे तो कर दोगे। पॉइंट बढ़ाने के बाद एक जीरो बढ़ाओगे, 3 छिंग कितना होगा? 18 हो गया। फिर वही वाली कंडीशन, ये 2 बच रहा है, पॉइंट लग रहा है, जीरो लगा लिया, 3 छिंग 18। यानी ये कंडीशन आपकी क्या होगी? नीचे से डॉट डॉट कहाँ तक चलती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ये 6 रिपीट होता रहता है ना बार 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 बार, तो भैया इसको भी क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 6 को रिपीट ना करके इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। कभी लिखता है जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको ऐसे तो लिखते हैं। ये भी आपकी एक क्या है? भिन्न। ये भी आपकी क्या है? एक भिन्न के रूप में लिखी हुई है। क्लियर, जैसे कि आपको बताएंगे आगे। देखो ओहो, देखो अब भिन्न में दूसरा टाइप चलते हैं, टाइप नंबर दूसरी तरफ। देखो भिन्न में क्या होता है, अब भिन्न में हम पहचाने कैसे कि बड़ी है ये छोटी है ये? जैसे कि हम, मैं भिन्न लिखता हूं आपको कि 1/2 लिखा हुआ है क्या, 1/3 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, 1/5, मैंने 4 भिन्न लिख दिए हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि ये छोटी है या बड़ी है? तो इसके लिए मैंने आपको एक लॉजिक सा पढ़ाया भी है, क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। या दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से भाग करेंगे। क्योंकि सवाल कैसे आते हैं, इस तरह से आते हैं, भिन्न आपको पता लगा पी ओपन क्यू के रूप में भिन्न होती है। अब क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा आपका? 0.5 आया। ऐसी इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.33 आया, ऐसी तो आएगा। तो अब मान लीजिए इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.25 आएगा। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ गया। क्लियर भैया, यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसी भिन्न की जो पहचान करनी होती है, तो सबसे बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न बताएं इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं इसमें से कि भैया जौन सा बड़ा अंक लिख रहा होगा वही होगा, क्योंकि इसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं इन दोनों के आगे। ठीक है, क्लियर। तो आपकी बड़ी भिन्न कौन सी थी? वो ये थी। क्लियर, ऐसा समझ में आ गया? ऐसे सवाल वो आपसे पूछेगा कि बड़ी कौन सी है, आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। क्लियर भैया सभी लोगों को? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं भैया। देखिए, यदि आपको ऐसा दिया गया हो कि भैया वो पूछेगा क्या, ऐसे पूछेगा, दूसरा आपसे ये पूछेगा कि 3 के ऊपर उसने बाल लगा रखा है, पॉइंट लगा रखा है 3 के ऊपर, क्या बाल लगा रखा है? तो 3 के ऊपर जब बाल लगाओ, पॉइंट ना भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे? इसका मतलब आज जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि 3 के बटे में क्या आपका पॉइंट लग रहा है, सॉरी क्या होगा? 9। जिस संख्या पर बार हो, ये बार, बार का मतलब जानते हैं क्या होता है? बार का मतलब ये होता है कोई संख्या बार बार क्या हो रही हो, रिपीट, बार बार रिपीट हो रही है। इस बार बार के रिपीट होने से बचने के लिए क्या करेंगे? इस पर बार लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उस संख्या पर बार लगा देंगे। अगली कंडीशन क्या है? यदि वो ऐसे दे दे कि भैया 3 और 3, और भैया यहाँ पर आपको दे दे कि 4। ठीक है, और क्या करें, फिर दोबारा ऐसी रिपीट कर दे, क्या 3 और 3 4 रिपीट कर दे, फिर 3 और 3 क्या कर दे, 4 कर दे, फिर 3 और 3 क्या कर दे, 4 कर दे। ऐसी संख्या जब बार बार कोई रिपीट होती है तो कंडीशन क्या है, इससे बार बार बचने के लिए क्या करते हैं? जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि ये हो रही है, तो क्या करते हैं? उसी संख्या पे हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। क्लियर भैया? हेलो, अरे सर बुक रही गई थी आप पर। हाँ, यही तो कमी होगी, ये तो फोन कर रहा था मैं आपको, यही तो कमी होगी। चलो मैं बात करता हूँ बाद में। क्लियर भैया? तो आपको, हम कहाँ थे, पीछे कहाँ आ गए?
ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जिस संख्या को हमने बार बार रिपीट किया, क्या बार बार रिपीट होने से बचने क्या लिख दिया हमने, उसके ऊपर बार ही लगा दिया। ठीक है, यानी अब बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा इन संज्ञान पर। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं बार सिस्टम पर, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे देखें भैया, यदि वो इस तरह से दे दे, भैया देखो ये अब मैंने आपको बता दिया ऊपर वाली कंडीशन में क्या था कि वो भिन्न पी ओपन की में होती है। अब पूछता क्या है आपका, बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अब बात यहाँ पर चल रही ना, अब आपका कौन सा बार सिस्टम पर है, आपका टॉपिक ही चल रहा बार। अब ये भी आपका क्या इसमें आता है, भिन्न में आता है। ठीक है, बार सिस्टम में अब आगे चले थोड़ा सा, मान लीजिए वो संख्या ऐसी देती है कि 39 और 39। यदि वो ऐसे रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है जिन संख्याओं को वो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर क्या है, बार है। उस संख्याओं को रिपीट मत करो, क्या कर दो उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी तो होगा कुछ बार का, अब बार का कुछ सॉल्यूशन भी होगा कि इसको हल कैसे किया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, देखिए भैया अब देखिए, यदि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तीन के ऊपर बार, जैसे यहां पर लिखा था तीन के ऊपर बार, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको भिन्न के अंदर कैसे बदला जाएगा। देखिए कंडीशन, जितनी संख्या पर क्या लिखा है बार लिखा है उसके नीचे क्या बना देते हैं, इतना ही नौ बना लेते हैं। जितनी क्या संख्या पर बार है भैया, एक ही संख्या है यहाँ, तो एक पर ही क्या बार है, तो क्या करेंगे इस बार को हटाएंगे, इसके नीचे क्या बना लेंगे नौ, और ये भिन्न बन गई आपकी 3/9। काट के भी लिख सकते हो, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 के रूप में हम इस संख्या को लिख सकते हैं। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर भैया। हाँ जी, तो आगे चले थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो भैया नेक्स्ट, पहला समझ लो कि पहला सवाल आपका यही था। आगे चले थोड़ा दूसरा बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट, थोड़ा सा यदि वो ऐसे दे दे कि भैया ये बताएं कि 0.25 लिखा हुआ है और इस पर क्या है, दोनों पे बार हैं, तो इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे। देखिए कंडीशन यही है, जितनी संख्या पे क्या है आपका बार लिखा हुआ है, कितनी संख्या पे है, दो संख्या पे बार है, तो क्या करेंगे 25 लिखकर इतना ही नीचे क्या बना देंगे, दो नौ बना देंगे। क्लियर भैया, यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपकी भिन्न के रूप में क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब थोड़ा आगे के लिए तीसरा सवाल हमारा ये हो सकता है, यदि 0.3736 और एक संख्या पर आपकी बार बार दे दिया है, तो कब तब कैसे करेंगे, जब तो दो संख्या थी तो दो पे बार था, एक संख्या थी तो एक पे बार था, अब क्या दो संख्या तो एक पर बार है, तब क्या करते हैं। ऐसी कंडीशन में करने का मतलब हमारा यह होता है, देखिए भैया क्या करेंगे, जितनी संख्या पे क्या है आपका बार, देखो भैया इस कंडीशन में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, पहले तो ये है। हाँ जी भैया, कौन कौन लगा देते हैं क्या है, हाँ तो भैया जो भी व्यक्ति एक बार जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार जरा क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। भैया बच्चे बहुत कम हैं और आपने लाइक भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है। हाँ भाई आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही होगी, अब तो वीडियो भी नहीं रुक रही, अब तो मुझे ऐसा लग रहा कि वीडियो हमारी भी क्लियर चल रही है, साफ चल रही है ना, क्लियर, कोई दिक्कत हो रही हो तो एक बार बता देना भैया मजरा, ओके कोई भी दिक्कत वीडियो में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार बता देना भैया, ठीक है क्लियर, बताएं जरा एक बार कमेंट करके भैया, वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई वीडियो ऑडियो में कोई कमी आ रही हो। वो तो होती नहीं, आगे चले। हाँ अच्छे, ये सवाल तुमने किया ही नहीं है, मान लीजिए ऐसे बार, अब इसको कैसे कराते हैं, है? इसको कैसे करते हैं? हाँ अब आया ना, अब भैया देखो जब तक आप कमेंट्स नहीं भेजते तो भैया तब तक पढ़ाओगे, भैया तब तक पढ़ाओगे, क्या लिखा है, कब तक पढ़ाओगे, तब तक पढ़ाओगे, पता नहीं है। हाँ सर सब क्लियर है, क्लियर भैया, ओके। अखांसा देवी जी, देखिए भैया यदि देखो मैंने अभी बताया कि देखो ऊपर ये चल रहा था, क्या चल रहा था कि भाई एक बात बताओ, जब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एक संख्या पे बार हो, ये रहा एक संख्या पे यदि हमारा बार है,
तो हम क्या करते हैं, इस अंक के बाहर हटाते हैं, इसके नीचे लो लिख लेते हैं और भाग दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या पे बार है, तो बार हटाएंगे तो कितने, जितनी संख्या पे बार होता है तो नीचे 9 लिख देते हैं। अब मान लीजिए ऐसा ना होकर ऐसा दिया हो तब क्या करते हैं, है नी, तो मान लीजिए एक संख्या पे बार है एक संख्या पे नहीं है, तब कंडीशन हमारी ऐसी होती है, हम करते हैं पहले टोटल संख्या को लिखेंगे और जितनी संख्या पे बार नहीं है, किस पर नहीं है, 3 पर नहीं है, तो 3 को उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। घटा देने के बाद कितना आया आपका, 33 आ गया ना, आ गया 33, ठीक है, क्लियर। क्या आया आपका, 33 आ गया। जब 33 आया तो भैया ऊपर लिखेंगे हम 33, क्या लिखेंगे, 33, क्लियर। और भैया जितनी संख्या पे आपका बार है उतने तो बनाएंगे 9, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने बनाएंगे आप 0, क्लियर। अब इसको 3 से भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और भैया 3 से भाग देंगे, 3 × 9, इसका मतलब क्या होगा, 11/30 इज द राइट आंसर, क्या होना चाहिए, 11/30, क्लियर भैया। ओके, यहाँ तक क्लियर आया कि समझ में नहीं आया भैया। सुवन दुबे जी गुड इवनिंग, और भैया सतीश प्रीति क्लियर कह रहे हैं, क्लियर है, ओके भैया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो छोटा छोटा है, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, यदि आपको ऐसा दे दिया कि सवाल नंबर फोर ये है, आपको ऐसे दे दिया कि बताओ भैया ये पॉइंट पे दोनों, जल्दी बताना है आपको भैया पॉइंट क्या है, यहाँ पर 2, 7 है, इसके ऊपर बार दिया है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, पी अपॉन क्यू के रूप में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अरे 60 होना चाहिए, 60 होगा। अरे सुबन दुबे जी ऐसा मत करो, 3 बार मधु कुमारी जी गुड इवनिंग, ठीक है क्लियर, ये बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 0.7 पे क्या है आपका है, 0.27 पे क्या है, बार है, तो बताओ इसका क्या होने वाला है, ठीक है जल्दी बताओ। वही होने वाला है जैसे अभी करते हम आ रहे हैं, पीछे क्या कर रहा है हमने, जितनी संख्या पे बार होता है उतने नीचे क्या लगा देते हैं, जो 2 लगा लेते हैं भैया, देखो क्या लगा लेते हैं, 9 लगा लेते हैं, यही तो करना है आपको, कितना अभी से भाग देंगे भाई, 2 संख्या पे 12 है तो 2 × 9 ले लगा लिए, क्या होगा, 9 × 3 हो गए 27, और 9 से काटेंगे तो 11 बार चला गया, यानी 3/11 इज द राइट आंसर होना चाहिए, क्लियर। ओके आगे बढ़े, एक सवाल और करना है आपको, आगे वाला देखो सवाल क्या होना चाहिए आपका, देखो मान लीजिए मैंने आपको दे दिया है, सवाल नंबर आपका कौन सा आइया 45, देखो ये है सवाल नंबर 5, ठीक है, 5 सवाल में क्या होगा, देखिए क्या 0.56 है और 6 में क्या है आपका बार है, बताएं इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या राइट आंसर हमारा आना होगा, क्लियर बताएं। हाँ जी 27/99 होगा, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया मधु कुमार जी द राइट, ठीक है समझ में आया। साक्षी शर्मा जी कह रहे हैं 27/99 बहुत बढ़िया, तो आप उसको रेसाइज करेंगे हैं तो 3/ क्या हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ओके 9/11 नहीं होगा, आकांक्षा देवी 9 से आपने भाग दिया है, 9 × 3 = 27 होता है, हाँ जी जब तक जाता रहे जब तक करें अको, ठीक है। आज भी बहुत नींद आई भैया, किसको नींद आ रही है, सुमन दुबे आपको नींद आ रही है क्या, अब भी आ रही है। चांदनी कुमारी गुड इवनिंग, क्लियर भैया समझ में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, वही कंडीशन जो मैंने अभी बताया था, क्या इस टोटल संख्या में से क्या करना होगा, इस टोटल संख्या 56 है ना, जितनी संख्या पे बार नहीं है इतनी इसमें से घटा देंगे, किस पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है तो 5 को हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, घटाने के बाद हमारे पास कितना आया, 51 आ गया ना, कितना आ गया 51 आ गया, क्लियर। तो भैया अब 51 आने पर क्या करेंगे, इस 51 को हम रखेंगे यहाँ ऊपर, ठीक है, जितनी संख्या पे आपका बार है उतने बनाएंगे 9 और जितनी संख्या में बार नहीं है उतनी बनाएंगे 0, ठीक है। अब इसको देंगे भाग, 3 से चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 17 बार चला जाएगा, और 3 से काटेंगे तो इसको तो कितनी बार चला गया, 30 बार चला जाएगा, क्लियर। 17/19 = 30 द राइट आंसर आपका होगा, क्लियर भैया, हाँ जी बहुत बढ़िया, सभी का आना चाहिए भाई क्वेश्चन आंसर, ठीक है आगे चले, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भैया, देखो छोटा छोटा बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, छोटा छोटा बता रहा हूं ताकि आपको हो जाना चाहिए से निकल। ओके क्लियर, आगे देखो सवाल नंबर 6 देखते हैं, सवाल नंबर 6 क्या है भैया, इसको आपको करना है, मैं आपको सवाल देता हूं, ये है भैया पॉइंट आपका 4, 7, 6, क्या है
4, 7, 6 है और इस पर आपका बार लगा हुआ है, किस पर? 7, 6 पर बार है। तो बताओ इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, बताएं। बहुत बढ़िया चांदनी कुमारी द राइट, सुमन ग्रुप सुमन जी ये भी राइट है, 91-99 भी लिख सकते हो। और भैया सतीश जी द राइट, ठीक है क्लियर भैया। अब बताना कि 0.476 है और 76 पे बार है, इसका मतलब जानते हैं ना आप सभी लोग कि जब 0.476 लिख रहा है इस पे तो बार है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट है, ठीक है। ये संख्या बार बार क्या है? रिपीट है। इस रिपीट को बचने के लिए क्या करा इसने, 0.676 पे क्या कर लगा दिया, बार लगा दिया, क्लियर। तो भैया बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ओ बहुत हंसी आ रही है, तो बताओ भैया क्या होने वाला है, बताओ जो राइट आंसर क्या होने वाला, जो सवाल हमने आपको दिया है। बहत्तर बटे 900 और भैया 100/225 और कह रहे हैं 72/990 आएगा है। देखो भैया क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि जितनी संख्या पे आपका बार है ना, पहले क्या करना है, पहले ये करना है कि जितनी संख्या पे आपका बार नहीं है वो आपको घटाना है संख्या में से। देखो किस पर बार नहीं है, इस 4, 6, 7 संख्या लिखी हुई है जिस पर चार बार नहीं है, चार पर क्या बार नहीं है, तो उस संख्या को पहले आप घटाओगे। घटाने पर कितना आ गया आपका, 472 आ गया, कितना आ गया 472 आ गया ना, ठीक है। बटे जितनी संख्या पर क्या आपका बार है उतने बनाएंगे 9 और भैया जितनी संख्या पर आपका बार नहीं है उतने बनाएंगे 0। समझ में आया कि नहीं आया, ये होगी ये फ्रैक्शन, क्लियर। नमस्ते भैया अब्दुल जी, बहुत दिन में आया आज आप है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसको आप भाग देंगे, किस तरह भाग जा रहा है, देखो 7, 4, 11 तो कितना होगा 13 है, कहीं भाग जा रहा है, 2 से ही जा रहा है बस, और किसी से जा भी ना रहा है, क्या हुआ 2 से भाग दे लो, कौन सा फर्क पड़ रहा, 2 × 4 हो गया, 2 × 3 = 6 होगा, 2 × 6 = 12 होगा, क्लियर। 4 से भी चला जाएगा इसका मतलब, ये तो भाई 2 × 4 होगा, 2 × 3 = 6 हो गया, बच्चा कितना 2 × 6 = 12 होगा, 2 से इसे काटेंगे तो क्या होगा, और 2 × 4 = 8 होगा, 2 × 9 = 18 होगा, 2 × 5 = 10 हो गया। अब ये कटागा नहीं, आपका क्या राइट आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है, ठीक है क्लियर भैया सभी लोगों को, ठीक है ओके। क्या आंसर आएगा भैया, ये आएगा, ये गड़बड़ी कर रहे हो ना, ये गड़बड़ी नहीं करनी है, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, आज तो बहुत ही काम है आपको है भाई, रोटी बनानी भी पड़ रही होंगी, अब टाइम भी तो हो रहा है खाना वाना बनाने का, ठीक है आगे चले, बहुत लेट आती हो अंजलि आप। 236/495 इज द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है क्लियर। अब मैं एक सवाल और देता हूं भाई, आपने गलत कर दिया है तो आप इसलिए एक सवाल आप दोबारा बनता है। देखो भैया सवाल आपका क्या है, सवाल नंबर 7 आपका ये कहता है कि भैया क्या है कि यहां पर पॉइंट है और अभी मैंने बताया नहीं 500 आपका 88 लिखा हुआ है, 588 है और दो संख्या पे आपका क्या है बार है। अब बताओ इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कि इसका फ्रैक्शन में भिन्न में आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी समझ में आया ना, ऐसे ही करना होगा। अच्छा 990 कहाँ से आया, कौन है? देखो भैया 990 बता लूँ कैसा आया, देखो भैया देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 990 ऐसा आया मेरे भैया, देखो भैया कैसे, जितनी संख्या पे बार होता है इतनी तो नीचे 9 बनाते हैं और जिस संख्या पे बार नहीं होता ना जितनी संख्या पे इतनी 0 बनाते हैं उसके आगे, ठीक है क्लियर। एक संख्या पे बार नहीं है तो क्या है आपका 0 बनाएंगे इतनी, ओके क्लियर। चले भी नीचे वाले सवाल पे करें, अब करो जी, ये रहा ऐसा आया मेरे अखिलेश आर्यन जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है कैसे हाल चाल है, जरा ज्यादा केक खा लिया था सर जी इसलिए गलत हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया है। तो भैया आगे चले थोड़ा, बताओ जरा आओ। अच्छा जी अब ये जो बताओ ये आंसर आपका आया कि नहीं आया, अरे हाँ सुमन दुबे जी कह रहे हैं कि 583/990 आ रहा है मेरा है, बहुत बढ़िया।
तो इसका मतलब यह है कि भैया एक व्यक्ति ने तो इसका मतलब यह है कि मेहनत करी है, बाकी सब कह रहे हैं कुछ सर जी हम 5:18 पर देख, कोई बात नहीं भैया लेट होने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि देर भैया एक्चुअली क्या है कि हमारे अतुल सर ने हमें थोड़ा कहीं हाल लेकर चलेगा और हमें लेट लेकर आए हैं। भैया बहुत बढ़िया ठीक है, अभी क्या आपको समझ में आ गया क्या करना है? भाई देखिए क्या करना है, भाई देखो ये संख्या है हमारी 588, किस संख्या में बार नहीं है, 5 पर नहीं है, 5 को हमें घटाना पड़ेगा, घटाइए इसमें से 5 कितना आ गया आपका 583 आ गया, ठीक है 583 आ गया यानी 583 आ गया। और हमने नीचे क्या बताया आपका, जितनी संख्या पे बार लिखा हुआ हो उस संख्या इतनी क्या बना लेंगे नीचे 9 बना लेंगे, या जिस संख्या पे बार नहीं है उतनी क्या बना लेंगे 0। इज द राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, यानी 583/990 इज द राइट आंसर होने वाला है, हो भी गया। बहुत बढ़िया जी, समझ में आए क्लियर, ये तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे चले और भी है। सवाल नंबर आठ को थोड़ा सा और बढ़ा के लिख लेते हैं। देखो भैया यदि आपको दे दिया कि 0.45 ठीक है 0.45 यहाँ 63 है, अब दो संख्या पे आपका बार लिखा हुआ है, बताए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कि तीन संख्या पे आपका बार है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला, जल्दी से बताना कमेंट करके जल्दी से। कोई बात ना नीशू जी, हम भी लेट हैं तुम भी लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया बताओ जिस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, क्या होगा इसका फ्रैक्शन, ठीक है बताओ भाई। ठीक है ये 559 आपने 9990 लिखा है ना, तो भैया ऐसा मत करो, मैंने अभी आपको समझाया है क्या करना है, वही करना है जो मैं अभी तक बताता आ रहा हूं। क्या ये जो संख्या लिखा है ना 4563 टोटल, किस संख्या पे बार नहीं है, 4 पर नहीं है, उस 4 को आपको क्या करना है घटाना है, घटाना जरा 6 से एक सीपर लोगे इधर 13 में 4 गया 9 आ गया 5 आ गया 5 आ गया 4 आ गया, यानी इसका मतलब क्या है आपका 54559 आया। ठीक है क्लियर, बटे में जितनी संख्या पे आपका बार लगा हुआ है इतने ही नौ बनाने हैं नीचे, और जिस संख्या पे बार नहीं है इतने ही बनानी है 0। क्लियर, तो आपका राइट आंसर होने वाला है आपका ये। ठीक है तो समझ में आया, हाँ जी बहुत बढ़िया। आगे भैया तृप्ति गौर जी 4021 इधर गलत आंसर आपका, बहुत गलत है, इतना समझाने पर आप भी इतना गलत करते हो हैं, इतना समझा रहे हैं फिर भी गलत कर रही हो हैं। तो भैया इससे तो हमारे अब्दुल जी हैं वो भी आए हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा गलत लिख दिया है, वो घटाने में ही 8 लगा दिया उन्होंने है, ऐसा मत करो मेरे दोस्तों। देखो भैया मैंने आपको एक एक स्टेप करके समझाया है कि बार सिस्टम क्या होता है, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, क्लियर आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब क्या होता है कभी कभी आपसे क्या करता है, इनके योग के बारे में बात करता है, क्या करता है इनके योग के बारे में बात करता है, ये योग कैसा होगा, दो संख्या दे देगा आपको, ये है भैया क्या है 3 है और इस पर बार है, कह रहा है कि इस पर जोड़ना है क्या 4 5, इस पर बार है, और फिर कहेगा भैया दूसरी संख्या तीसरी संख्या 1 है वो आपकी लिखी हुई है 0.43 पर क्या है बार है, इसका योग करें तो क्या आएगा, ऐसी संख्या का योग करने पर क्या आएगा, अभी बार का भी तो योग करा जा सकता है उसको भी देख लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, देखो भैया बता देता हूं भैया योग करने का सिस्टम क्या है, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, कितना है आपका 3 है, इसके ऊपर क्या लग रहा है बार, इसी संख्या को बार बार क्या कर दो रिपीट कर दो, कोई दिक्कत 2-4 बार रिपीट करके लिख दो, कौन सा फर्क पड़ता है, लिख लिया भैया लिख लिया मैंने आगे, अब क्या है 0.45 आपको दिया गया है, 4 5 के ऊपर ही बार है दोनों के ऊपर, तो इसका मतलब ये इस संख्या को बार बार रिपीट करके लिख दो, क्लियर
मैंने रिपीट करके लिख दिया ऐसे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिखा 0.43 है, इसके ऊपर क्या है दोनों के ऊपर बार है, तो क्या हुआ 0.43। जो संख्या पर बार हो उसी संख्या को बार बार क्या कर दें, रिपीट कर दें। कर दिया मैंने रिपीट, अब इसका जोड़ लगाओ। लगाओ भैया, देखो भैया 5 और 3 कितना हो गया भैया, 5 और 3 8 और 3 कितना होगा 11, एक का हासिल लगा आपका 1। ठीक है क्लियर। अब यहां देखें 4 और 3 7 और 4 11 और 1 हासिल का जोड़ा था कितना होगा 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1। ठीक है अब थोड़ा आगे बढ़े भैया, 5 और 3 कितना होगा 8 और 3 11 और 1 हासिल का जोड़ा था कितना होगा 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1। फिर आगे देखें 4 4 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, फिर हासिल का जो 1 और जोड़ा था कितना हो गया 12, हासिल लगा 1। फिर आगे चले 3 और 3 6 और 5 11, हासिल का 1 जोड़ा था कितना हो गया आपका 12, फिर का 2 का हासिल लगा 1, 4 4 8 और 3 कितना होगा 11, और 1 12 का 2 का हासिल लगा 1। ये आ गया आपका। ठीक है तो मान लीजिए अगर संख्या को आप बार बार और रिपीट कर लेते हैं ना, तो यहाँ भी 2 नहीं आता, यहाँ भी 2 आता, 1 नहीं आता। ठीक है क्लियर। तो इसका मतलब ये है इसका योग करने पर हमारा आंसर आया क्या, ये आया। अब इसका मतलब ये है कि 1 पॉइंट ये लिखा हुआ है ना, 1.222 लिखा हुआ है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको क्या कर देंगे 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। हो गया योग इसका क्या आएगा 1.2 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे सवाल होगा तो ऐसे करना है आपको। ठीक है दो के ऊपर क्या लगा दोगे, अब बार लगाओगे। ठीक है सर वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है बहुत बढ़िया। नहीं आ रही क्लियर भैया, कैसे नहीं आ रही भैया, इस वॉइस को तो हम अभी देख लेंगे क्यों नहीं आ रही भाई। अब बताओ, अब तो साफ आ रही होगी है, बताओ भैया आवाज आ रही है। राधे राधे सर जी, राधे राधे भैया, राधे राधे उमेश जी बहुत बढ़िया, राधे राधे भैया। अरे इनको तो भैया 2 चावल लिख लो जरूर, 4 5 बार तो रिपीट कर लो, जैसे मान लीजिए 4 5 4 5 था, 3 बार तो कम से कम लिखो, कम से कम 3 बार लिखो, 4 बार लिख लो तुम्हारी मर्जी बात है, कम से कम 3 बार तो लिख लो, 1 2 3। ठीक है समझाना है कि भैया देखो अगर ज्यादा लिखोगे तो यहाँ पे 2 ही 2 ही आएगा, आगे अभी 2 2 ही रिपीट होता रहेगा। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसका मतलब यह है कि उसके ऊपर बार है, उसके बार बार से रिपीट होने से मतलब बचने के लिए क्या करते हैं कि बार लगा देते हैं। अब एक सवाल आपको दूंगा, जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है चांदनी जी, इसको बचने के लिए क्या करेंगे, ये 2 2 बार बार आ रहा है ना, इसको बचने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यानी 1.2 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बार आ जाएगा। ठीक है ये आपका राइट आंसर होगा, क्लियर भैया सभी लोगों को। लो जी आपका आंसर होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल कैसा होगा है। लो जी पेज ले लेते दूसरा सवाल नंबर 9। ठीक है अब मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया कि 0.476 है प्लस, जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है 0.678 और प्लस, फिर यहां पर पॉइंट लगा दिया और 4 2 की पावर यहां भी क्या लगा दिया 2। बताओ कि इसको जोड़ने पर आपका क्या आने वाला है, बताएं जरा जल्दी से, बताएं जरा इसका है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला, फिर हम करेंगे। ठीक है बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला, जल्दी से जोड़ लगाओ इसका, ऐसे रखना ही अभी इस पर, सॉरी इस पे भी क्या बार है, यहां पर बार है इस पे। तो भैया देखो पॉइंट, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाना है। ठीक है 4 6 इस पर बार है, तो ये संख्या क्या आपकी बार बार रिपीट है, तो इसको बार बार रिपीट करो, कौन सा दिक्कत आ रही है, 4 6 4 6 और 4 6 लिख लिया। अब ये संख्या है, इसको क्या करना है, जिस संख्या पर बार हो उस संख्या को क्या करना है आपको, बार बार रिपीट करना है। क्या 4 6 7 क्या आपका 8 बार बार रिपीट है, तो लिख लो 6 7 8 और 6 7 8 क्लियर। ठीक है तो क्या हुआ 1 4 लगा देंगे आगे, कौन सा दिक्कत आ रही है, आगे चले क्या आपका 4 2 है, तो भैया तो 4 2 को रिपीट करो जी, 4 2 4 2
फोर टू, ठीक है क्लियर आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं फोर टू, ठीक है आगे क्लियर भैया, आगे भैया अब इसका जोड़ लगाना है, ठीक है जोड़ लगाना है। देखो भैया जोड़ लगाना आसान सा है, देखो भैया फोर टू फोर टू फोर टू फोर टू रिपीट था, मैंने यहाँ पर फोर लिख लिया क्योंकि इसके बराबर बनाने के लिए, क्योंकि ये जोड़ना है ना इसमें, तो ऐसे यहाँ पर था आपका, यहाँ पर क्या था फोर सिक्स था, फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स, अब यहाँ पर फोर सिक्स ना लिखे मैंने फोर ही लिख लिया क्योंकि ये यहाँ पर लिखूंगा तो दो अंक और आगे लिखने पड़ेंगे, ठीक है बचना है थोड़ा सा। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ लगाना है, जोड़ लगा लोगे तो भैया देखो बहुत अच्छा राइट आंसर भी आने वाला है कुछ लोगों का, तो देख लेते हैं वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है नहीं है, अरे अब भी नहीं आ रही क्या वॉइस क्लियर, तो वो तो साफ आ रही होगी, देखो भैया एक बार बताओ सही, आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही होगी, अब मर्जी आपकी, देखो भैया ये फोर सिक्स फोर से आप लिख लो आपकी मर्जी है, ठीक है यहाँ मैं लिख लिखता हूँ, देखो भैया ये है यहाँ पर लिख लो कौन सा फर्क आ रहा है, सिक्स सेवन एट, लो जी ये फोर टू था ना, लो जी फोर टू, ठीक है क्लियर हो गया आपको टेंशन नहीं है, देखो सिक्स सेवन एट सिक्स सेवन एट सिक्स सेवन एट सिक्स सेवन एट, ठीक है ऐसा लिख सकते हो जितना आपकी मर्जी है, इतनी बार लिखो कोई दिक्कत ना इसमें, ठीक है अब जोड़ लगा लो कौन सा फर्क पड़ रहा है, छः देखो भैया आठ से चौदह दो, भैया देखो मैंने बहुत सारी संख्या लिख ली कायदे में, तो मुझे इतनी लिखनी थी, आपका जो राइट आंसर ना यहीं से आ जाएगा, अब फिर भी जब मैंने लिखवा दिया तो सीधी इस बार लिख लेते हैं, आठ हो तो दस से सोलह का छः का हासिल लगा आपका एक है, चार चार आठ और सात कितना होगा पंद्रह, एक सोलह का छः का हासिल लगा एक, ठीक है फिर देखो छः और छः कितना होगा बारह, बारह और दो कितना हो गया आपका चौदह, और एक जोड़ा तो हासिल कर लगा आपका पंद्रह, पाँच का हासिल लगा एक, क्लियर भैया ये समझ में आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ पर देखो आठ आठ चार चार आठ और आठ कितना होगा सोलह, फिर एक सत्रह, सात का हासिल लगा एक, क्लियर भैया ऐसे चल रहे, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर भैया देखो छः और दो आठ, आठ और सात कितना होगा पंद्रह, पंद्रह में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा छः का हासिल लगा क्या होगा आपका एक, ठीक है छः चार दस और चार चौदह का चार का चौदह चार हासिल जोड़ेंगे कितना होगा आपका पाँच, ठीक है हासिल तो हासिल लगा एक आपका, आठ तो दस और छः सोलह, सोलह रे कितना सत्रह का सात का हासिल लगा एक, क्लियर भैया फिर आगे चले चार चार आठ और सात कितना होगा पंद्रह, पंद्रह रे कितना होगा सोलह का छः का हासिल लगा एक, फिर यहाँ पर करेंगे छः छः बारह दो चौदह, अरे कितना होगा पंद्रह, पंद्रह का पाँच का हासिल लगा आपका एक, फिर करेंगे यहाँ पर आठ चार चार कितना होगा आठ, और आठ है यहाँ पर सोलह, सोलह रे कितना होगा सत्रह का सात का हासिल लगा एक, ठीक है फिर आगे चले यहाँ पर देखें, अब देखो भैया आएगा चार और छः, ये करें यहाँ पर देखो छः और दो कितना होगा आठ सात पंद्रह, पंद्रह रे कितना होगा सोलह का छः का हासिल लगा एक, फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है क्लियर आगे बढ़े, चार चार आठ आठ कितना होगा सोलह रे सत्रह का सात का हासिल लगा एक, ठीक है पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया क्लियर भैया, देखो कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कौन कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाँच छः सात, पाँच छः सात रिपीट हो रही हैं, तो ऐसी यहाँ भी क्या आएगा सात आएगा, जब आगे संख्या लिखेंगे तो पाँच छः सात ये रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या आने वाला है, आएगा जी 1.767, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है आपकी 567, कौन सी 567, तो भैया लिखेंगे 567 पे क्या आएगा आपका 12, तो राइट आंसर क्या होने वाला ये होने वाला, ठीक है जी क्लियर, हाँ जी अरे मैंने यहाँ पर पांच आएगा भाई, मैं भी कुछ ज्यादा पढ़ लिया क्यों आएगा, चार चार आठ, आठ से चौदह एक पंद्रह आएगा भाई, फाइव सिक्स सेवन पे क्या आएगा आपका बारह आएगा, ठीक है अरे मैं लो लिख देता हूँ इसको, ये बार लग रहा ना इस पे भी, ये वाला ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है आपकी, तो क्या होगा 1.567 पे क्या आएगा आपका बार, ठीक है जी क्लियर, ध्यान न करा मैंने ज़्यादा आगे पढ़ लिया, बहुत बढ़िया चार छः चार क्या करोगे, हाँ जी बहुत बढ़िया काम सा देवी जी मैंने पढ़ लिया मुझे बता गया, ठीक है सॉरी सर जी, कोई बात ना ठीक है ठीक है मैंने आगे चले भैया, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आ गया कि नहीं आया, ये वाली सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए कि संख्याओं का योग हो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। अब दूसरा एक सवाल और है, जरा इसको भी देख लेते हैं,
देखो भैया, अब सवाल नंबर आपका जो 10 है वो ये है, दो के ऊपर आपका 12 है, यहां पॉइंट क्या है 75 है, प्लस यहां पर तीन के ऊपर 12 है और यहां पर आपका 78। अब ऐसे सिस्टम में क्या होगा भाई, अब की बार पॉइंट से पहले आपका बार लगा दिया, यहां भी पॉइंट से पहले आपका बार लगा दिया, पहले तो नहीं था, पहले तो पॉइंट के बाद बार था, अब क्या पॉइंट के पहले बार है, तब क्या होता है। गुड इवनिंग भैया, बताओ भैया, ठीक है बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ जी, इसका राइट आंसर बताओ क्या होने वाला है, है? बताओ भाई, भाई आपके क्या था, पॉइंट से पहले बार है, पॉइंट से पहले बार है, वहां पर क्या था, पॉइंट के बाद बार लग रहा था, बार बार ऐसी सिस्टम आ रहा था कि प्लस करना है पॉइंट, यानी इसमें ऐसे तो चल रहा था, अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार है पॉइंट से पहले बार। ठीक है, तीन के ऊपर 12 है, यहां 12 है, क्लियर। अब तो कैसे जोड़ेंगे बताओ भाई, ज्यादा पढ़ने पर यू ही हाल होता है भाई, जब रात को भी आप मैथमेटिक्स लेके बैठे रहोगे तो भैया यू ही हाल होगा, है नहीं? देखो भैया क्या है, ऐसे सिस्टम में थोड़ी सी कंडीशन हमारी आती क्या है, वो ये आती है, इसका मतलब हो जाता है कि माइनस टू, क्या माइनस का टू और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 0.75 और प्लस इस तीन के ऊपर 12 है, इसको भी लिखेंगे क्या माइनस का तीन, क्या लिखेंगे माइनस का तीन, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस का तीन, ठीक है, और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 0.78। क्लियर भैया, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रख दिया। अब भैया देखिए, ये माइनस का तीन है, ये माइनस का टू है, तो इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग से जोड़ेंगे, माइनस का टू माइनस का तीन हो गया भैया माइनस का पांच, अब जोड़ेंगे 0.7 प्लस कितना हो गया, ठीक है, नहीं इसको ऐसे मत रखो भाई, सजा के लिखें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे भाई, क्या माइनस का 2.75 और ये क्या होगा, इसका मतलब होगा माइनस का 3.78। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस बन गया ना, अब इसको उठाकर ले आओ भैया, दोस्ती इन दोनों की ज्यादा है, माइनस का टू में जोड़ेंगे माइनस का तीन, ठीक है, अंदर रह जाएगा आपका यहां से 0.75 और प्लस किसको जोड़ना है 0.78 को जोड़ना है। क्लियर भैया, ये कंडीशन है, माइनस का टू माइनस का थ्री क्या होगा आपका माइनस का पांच हो गया ना, क्लियर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 0.75 प्लस 0.78, ठीक है, क्लियर, जोड़ने के बाद क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लूं कोई दिक्कत, क्या होगा भाई, इनको जोड़ने पर पता लग रहा है कितना आ रहा है आपका माइनस का पांच। देखो भैया जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगा आपका 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगा 1, दो अंक बाद आपका पॉइंट है तो क्या होगा आपका ये हो गया, क्लियर। अब थोड़ा सा ऊपर कर लूं तो और भी समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो भैया ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 5 है, तो भैया प्लस के 5 में से माइनस के 5 में से प्लस का 1 लगा तो क्या बचा, माइनस का 4 बचा, पॉइंट क्या होगा 5 3, क्लियर है। अब ये क्या है, इस माइनस को बचने के लिए कर दूं 4 के ऊपर 12 0.53, द राइट आंसर क्या होने वाला आपका 4 के ऊपर 12 0.53, ये सवाल आपका ऐसा होगा, ठीक है। हाँ जी भैया, अजय गौतम जी आपने जो आंसर भेजा है वो तो गलत हो गया भैया, अरे नहीं होती हेजिटेशन, नहीं होता है हेजिटेशन, नहीं होती भैया, बड़े खुश मिजाज आदमी है हम। ठीक है, क्लियर भैया, समझ में आ गया, और देख लेते हैं ऐसा सवाल, और भी देख लीजिए ना, जब और ज्यादा समझ में आएगा। देखो भैया नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, ओ भाई सॉरी, आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज ये रहा,
क्लियर। अब देखो मान लीजिए आपको क्या है कि फोर बार नहीं लगते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, चार के ऊपर बार है पॉइंट, यहाँ पर आपका एट थ्री है और यहाँ पर आपका जोड़ना है आपको एट के ऊपर क्या है आपका बार है, एट के ऊपर क्या है बार है और पॉइंट यहाँ 96 है, ठीक है। अब इसका जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, वही कंडीशन करनी है आपको जैसे हम कर रहे थे अभी। ये सवाल नंबर 11 है। हाँ जी ठीक है, सवाल नंबर 11 है भाई बताओ। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताओ भाई, हमारे सर भी उपस्थित हो गए हैं, वो भी आप हमें दे रहे हैं हॉर्न की जल्दी बाहर निकलो जल्दी सर जी। अब बच्चों मैं बार बार कहता हूँ कि हिट द लाइक बटन, लाइक के बटन को दबाते रहे करो। 3.79 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देखें क्या करना था, इस बार को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस का 4 लिखेंगे 0.83, ठीक है, और इस वाले बार को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस का 8 और पॉइंट आपका 96, क्लियर। यही तो होने वाला है, माइनस का 8 माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 12 होगा, ये तो आपको क्लियर पता लग रहा है। अब भैया ब्रैकेट के अंदर 0.83 और जोड़ना किसको 0.96 को आपको क्या करना है जोड़ना है। देखो भैया क्या होने वाला, माइनस का 12 और जब इनको जोड़ा 6 और 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया है, और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 17, क्लियर। दो अंक बाद पॉइंट है ना, तो दो अंक बाद लगा देंगे भैया, ऐसा हो गया कंडीशन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया देखियो माइनस का 12 इसका मतलब है कि प्लस का 1 और इसका मतलब प्लस, क्या इसका मतलब है प्लस 1, लो भैया वो तो उड़ गया है, उड़ गया भैया उड़ गया, कोई बात ना दोबारा लिख लेंगे हम। जो 11वां सवाल था क्या था, 4 के पावर में दिखा था, यहां पर 0.83 था और प्लस था आपका 8 पर था बार 0.96, ये तो सवाल था, ये तो सवाल था, सवाल तो याद हो जाता है। पॉइंट यहाँ क्या होगा माइनस का 4 हो गया और 0.83 था, ये तो बताया था माइनस का 8.96, ये हो गया बार सिस्टम में ऐसे जोड़ते हैं। माइनस का 8 माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 12 हो गया, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अंदर क्या जोड़ना है हमें, इसको जोड़ना है 0.83 को जोड़ना है किसमें 0.96 में, जोड़ा तो क्या हो गया भैया बाहर माइनस का 12 है ही, इसको जोड़ने पर 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 17 हो गया, यानी इसका मतलब ये था, क्लियर। मैं यही तो बताना चाह रहा था आपको कि हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 12 ये तो प्लस का 1 है ना, अब प्लस में क्या करना है 0.79 लिखना। देखो भैया वही तो कर रहा था मैं, माइनस का 12 में से एक चला गया प्लस का तो माइनस का 11 बचेगा और यहाँ क्या है आपका 0.79 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि 11 के ऊपर 12 0.79 इज द राइट आंसर आपका होने वाला है, क्या हाँ 11 पे आपका 12 आएगा और 79 आपका राइट आंसर आने वाला। बताओ कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बहुत बढ़िया अजय राज गौतम जी बहुत बढ़िया, ठीक है क्लियर समझ में आया भैया। ये बताएं कि आज की क्लास में आपको ये कंडीशन समझ में आई कि बार यानी भिन्न क्या हो सकती है, ठीक है क्लियर भैया। तो बाकी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बार से थोड़ा सा आगे भिन्न के अंदर कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी प्रजापति जी क्लास ख़त्म होने वाली है, अब आए हो कह रहे हो कि हाय हाय तो हमने कर ली, ठीक है तो टाइम से उपस्थित हो जाया करो, ठीक है यानी जो हमारा टाइम है आज वैसे भी हम बहुत लेट हैं तो उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं भैया सभी से। तो सर जी राम राम भैया राम राम, ठीक है तो फिर चल नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी सवालों को लेकर। जो देखो ये तो आपके सवाल थे और पीपीटी में जो सवाल आपके मैंने कुछ डाले हैं तो उनको भी सोल्व करेंगे, तो पीपीटी कल खोलेंगे, लेकिन पीपीटी आपकी यहाँ भी मौजूद है लेकिन कल खोलेंगे, आप तो समझाने में रह गए तो समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है क्लियर। तो दोस्तों
क्या करें, हमने दोबारा लिख दिया भैया, बोर्ड उड़ गया तो क्या हुआ, हमने तो दोबारा लिख दिया सवाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये बताएं कि आज की क्लास कैसे लगी, प्लीज़ दोस्तों हिट द लाइक बटन, लाइक के बटन को दबाते जाएं, और हमारी क्लास यदि समझ में आती है तो प्लीज़ एक बार लाइक पर करो, और नहीं समझ में आती है तो डिसलाइक भी करें, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। और फिर कल मिलेंगे डाइस वाले चैप्टर के साथ, रीजनिंग के साथ, कल फिर 2 से 3 बजे हमारी क्लास डाइस की होने वाली है, उसमें होने वाले कंडीशन क्या, पासा कैसे खुलता है, ठीक है, ये कंडीशन कल होने वाली है, तो प्लीज़ दोस्तों से देखना ना भूलें, और उसके पीपीटी पर जितने सवाल आने वाले हैं तो उन्हें एक बार जरूर करेंगे, ताकि आपको आने वाले पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं आपको बता देता हूँ, जो दोस्तों जो व्यक्ति नए जुड़े हैं एक बार प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें,